हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्राटा फैन का फोर वायर कनेक्शन रोटरी स्विच एंड कैपेसिटर के साथ कैसे करें। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये फर्राटा फैन है, इसके अंदर से चार वायर निकले हुए हैं, दो रेड वायर हैं रनिंग के, दो ब्लैक वायर हैं स्टार्टिंग के। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इसके दो वायर लेने हैं, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। इनको एक जगह जोड़कर कॉमन वायर बना लेनी है इस प्रकार से। देखिए, अब दो वायर बचते हैं, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। इनको कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है इस प्रकार से। देखिए, देखिए ये जोड़ दिए हैं। अब लेते हैं दो सप्लाई के वायर। अगर दोस्तों बिना रोटरी स्विच के चलाना है तो ऐसे चला सकते हैं, अगर रोटरी स्विच नहीं लगाना है तो एक कॉमन वायर में लगाएंगे सप्लाई का वायर, दूसरा लगाएंगे रनिंग के वायर में जो कैपेसिटर में लगाई है। चलिए अब चला कर देख लेते हैं पंखे को। देखिए दोस्तों, पंखा चल रहा है। अगर डायरेक्ट चलाना है तो इस प्रकार से चला सकते हैं, अगर रोटरी स्विच नहीं लगाना है तो। अब दोस्तों, इसमें ऑन ऑफ करने के लिए रोटरी स्विच कैसे लगाना है ये देखिए। इस प्रकार का रोटरी स्विच है, पीछे की ओर लगता है ऑन ऑफ करने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन वायर है जो लगाई थी हमने, इससे सप्लाई का वायर हटा लेते हैं और जो रोटरी स्विच से ले लेना। देखिए यहाँ पर ये पी का निशान बना हुआ है, यहाँ पर ये सप्लाई का वायर लगा देना है हमें। इसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर देना है, मैं आपको वैसे ही लगा कर बता रहा हूँ इस प्रकार से। ये देखिए लग गया। अब दोस्तों, दूसरा जो कॉमन वायर है किसी भी एक पॉइंट के साथ लगा सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक के साथ ले ये लगा देना अच्छे से। तो ये लग गया दोस्तों। देखिए अब एक बार और पंखे को चलाकर देख लेते हैं। ये देखिए पंखा चल गया और यहाँ से देखिए अब ओ पी हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। ये केवल ऑन ऑफ करने के लिए होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।